जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 19165 अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफर किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन अहमदाबाद जंक्शन और दरभंगा जंक्शन स्टेशन के बीच सप्ताह में 3 दिन रविवार, बुधवार और शुक्रवार को चलती है। ट्रेन 68 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1935 किलोमीटर की दूरी लगभग 47 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको कैटरिंग यानी खान पान से संबंधित जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में पेंट्री कार, ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा नहीं है, लेकिन ई कैटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों प्रकार के लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आकर रुक जाती है और रात्रि 9 बजे पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट मणिनगर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:10 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट महिमदाद खेड़ा रोड स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:39 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट नडियाद जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:55 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट आनंद जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 10:15 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट छायापुरी स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 11:02 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट गोधरा जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन मध्य रात्रि 12:31 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट दाहोद स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 1:32 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट मेघनगर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 1:57 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट रतलाम जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:20 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट खाचरोद स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:47 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का ग्यारहवां हॉल्ट नागदा जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 4:08 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का बारहवां हॉल्ट उज्जैन जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:30 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 20 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट तराना रोड स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:16 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट मैक्सी जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:53 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट शाजापुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 7:17 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट सारंगपुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 7:51 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट पचोर रोड स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 8:23 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट ब्यावरा राजगढ़ स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 8:53 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट चौचौड़ा बीनागंज स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:36 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट कुंभराज स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:57 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट विजयपुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 10:15 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 22वां हॉल्ट रुठियाई जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 10:23 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 23वां हॉल्ट गुना जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 11:10 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 24वां हॉल्ट अशोक नगर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 11:55 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 25वां हॉल्ट पिपरी गांव स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 12:18 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 26वां हॉल्ट मुंगावली स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 12:38 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 27वां हॉल्ट बीना जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 2:30 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। यहाँ पर ट्रेन का लोकोमोटिव बदला जाता है और यहाँ से ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है। इस ट्रेन का 28वां हॉल्ट धौरा स्टेशन है
और यहाँ ट्रेन 3:10 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 29वां हॉल्ट जाखलोन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:25 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 30वां हॉल्ट ललितपुर जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:48 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 31वां हॉल्ट तालबेहर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 4:23 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 32वां हॉल्ट बबीना स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 4:46 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 33वां हॉल्ट झांसी जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:25 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 34वां हॉल्ट चिरगांव स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:07 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 35वां हॉल्ट मोड स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:32 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 36वां हॉल्ट 8 जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 7:06 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 37वां हॉल्ट उरई स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 7:28 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 38वां हॉल्ट कालपी स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 7:58 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 39वां हॉल्ट पुखराया स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 8:18 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 40वां हॉल्ट भीमसेन जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 10:20 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 41वां हॉल्ट कानपुर सेंट्रल स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 11:10 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 42वां हॉल्ट उन्नाव जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 11:42 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 43वां हॉल्ट लखनऊ चारबाग स्टेशन है और यहाँ ट्रेन मध्य रात्रि 12:50 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 44वां हॉल्ट बाराबंकी जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 1:48 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 45वां हॉल्ट दरियाबाद स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 2:22 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 46वां हॉल्ट रुदौली स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 2:55 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 47वां हॉल्ट सोहावल स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:20 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 48वां हॉल्ट फैजाबाद जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 4 बजे पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 49वां हॉल्ट अयोध्या जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 4:28 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 50वां हॉल्ट गोशाइंगज स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 4:58 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 51वां हॉल्ट अकबरपुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:21 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 52वां हॉल्ट मालीपुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:48 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 53वां हॉल्ट शाहगंज जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:40 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 30 मिनट रुकती है। यहाँ पर ट्रेन का लोकोमोटिव बदला जाता है और यहाँ से ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है। इस ट्रेन का 54वां हॉल्ट खोरासन रोड स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 7:31 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 55वां हॉल्ट सरायमीर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 7:44 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 56वां हॉल्ट आजमगढ़ स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 8:20 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 57वां हॉल्ट मोहम्मदाबाद स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:08 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 58वां हॉल्ट मऊ जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:55 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 59वां हॉल्ट इंदारा जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 10:23 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 60वां हॉल्ट रसड़ा स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 10:50 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 61वां हॉल्ट बलिया स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 11:53 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 62वां हॉल्ट सुरेमनपुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 12:29 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 63वां हॉल्ट छपरा जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 1:20 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 64वां हॉल्ट सोनपुर जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 2:30 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है।
इस ट्रेन का 65वां हॉल्ट हाजीपुर जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 2:42 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 66वां हॉल्ट मुजफ्फरपुर जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 4 बजे पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 67वां हॉल्ट समस्तीपुर जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:30 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 28 मिनट रुकती है। यहाँ पर ट्रेन का लोकोमोटिव बदला जाता है और यहाँ से ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है। इस ट्रेन का 68वां हॉल्ट लहरिया सराय स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:29 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 69वां और आखिरी हॉल्ट दरभंगा जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 7:15 पर पहुँचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराए की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इन्फो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।